नमस्कार, राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। भीम आर्मी बांसुर के द्वारा गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सेना के वीर जवानों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी गई तथा चीन सामानों का बहिष्कार किया गया एवं भीम सैनिकों के द्वारा कैंडल मार्च अम्बेडकर भवन में दंगार चौक तक चीन मुर्दाबाद किनारे लगाए हुए निकाला गया। इस मौके पर भीम आर्मी अध्यक्ष हेमंत मेहरा, मनोज जूली, जीनियस कोचिंग के डायरेक्टर हुकुम राजेश चावन, सतीश खेड़ा, राम सिंह सोलंकी, सुरेश काजीपुरा, चंचल नवल कांजीपुरा, अभिषेक गिलोचिया, महेंद्र ज्ञानपुरा आदि भीम सैनिक मौजूद रहे। निरोगी बांसुर स्वस्थ बांसुर अभियान के संयोजक एडवोकेट विकास जोशी के द्वारा जीटी प्लाजा मानसुर में सभी दुकानदारों को व ग्राहकों को होम्योपैथी इम्यूनिटी पावर बूस्टर दवा का वितरण किया गया तथा साथ ही चाइना के साथ हुए विवाद पर सभी दुकानदारों व ग्राहकों को अपने दैनिक जीवन से चाइनीज वस्तुओं के बहिष्कार करने व स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सभी दुकानदारों ने एडवोकेट विकास जोशी का धन्यवाद दिया। इस मौके पर जीटी प्लाजा के मालिक राकेश रोहिला, नरेंद्र शर्मा, रोहिताश अमित अग्रवाल, टिंकू यादव, रोहित मीणा, अनिल सैनी, मोनू शर्मा, प्रशांत आदि लोग उपस्थित थे। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रेरित करूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। स्वदेशी अभियान के तहत सभी दुकान वालों को और उसमें उपस्थित ग्राहकों को भी इन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए शपथ दिलाई है, जिसे हम समस्त चाइनीज आइटम जो हमारे हैं उपयोग में लेते हैं उनका। आज हमने स्वस्थ बांसुर निरोगी बांसुर अभियान के तहत जीटी प्लाजा में जितने भी दुकानदार थे और उनके ग्राहक थे, उन सबको होम्योपैथिक की जो किट है, जो इम्यूनिटी पावर बूस्टर का काम करती है, वो किट यहाँ वितरित की है। 35 लोगों को हमने ये किट दी है। इससे इनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये मजबूती।